स्टूडेंट वेलकम बैक इन ई लर्निंग क्लास बाय सविता सांगवान सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर नाउ यू विल लर्न हाउ कैन वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शनल नंबर टू अ फ्रैक्शनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर टू अ होल नंबर फ्रैक्शनल नंबर टू अ मिक्स नंबर सो लेट्स लर्न Uh, with few examples let's take one example from your book first example is there we have to if we have to multiply one fourth and three then uh, how can we do first of all i have taken uh, one part which has been divided into three equal parts to represent three now as a uh, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई वन फोर्थ सो वी विल कन्वर्ट वन पार्ट इन टू फोर पार्टी किसमें कर दिया फोर में और वन फोर्थ मीन इसमें से वन पार्ट हरे का वन फोर्थ ऑफ थ्री मतलब हर वन का फोर्थ पार्ट तो इसका वन पार्ट इसका वन पार्टन फोर्थ पार्ट इसका वन फोर्थ पार्ट मीन्स थ्री पार्ट और कैसे थ्री पार्ट हर एक को जिसमें फोर में कन्वर्ट किया गया है तो इसी को मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगी अच्छी तरह से ध्यान देंगे बेटा तो देखिए कैसे अगर हमने वन को फोर पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया टू तो रिप्रेजेंट वन, वन वन फोर्थ ऑफ वन हमने इसी तरह हर एक का कर दिया तो फोर 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 ट्वेल्व ट्वेल्व पार्ट्स आर देयर और थ्री में से हैं तो वन 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 यानी फोर्थ पार्ट कितना होगा थ्री तो थ्री पार्ट्स को हमने शेड कर दिया टू शो द दन फोर्थ पार्ट अब क्या करें और वो थ्री थ्री के कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो सकते हैं उन ट्वेल्व में से फोर फोर इक्वल पार्ट्स कैन बी मेड तो फोर यानी थ्री कितने में से आउट ऑफ फोर इस तरह से भी कह सकते हैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी एक बार मैंने थ्री पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया वन फोर्थ को शो करने के लिए हर पार्ट के फोर पार्ट किए और उसमें से वन वन पार्ट विल बी शो वन फोर्थ ऑफ वन और इसी तरह वन फोर्थ वन फोर्थ सबका शो करेंगे तो वन 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 थ्री पार्ट्स हो गए तो थ्री आउट ऑफ फोर यानी थ्री फोर्थ तो इसी को शो करने के लिए फोर फोर्थ सबके ट्वेल्व ट्वेल्व का फोर्थ पार्ट थ्री और थ्री थ्री के कितने इक्वल पार्ट्स बन सकते हैं फोर तो थ्री फोर चाहे आप इस तरह से कहिए चाहे इस तरह से कहिए तो दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा आगे चलेंगे बेटा वन मोर एग्जाम्पल इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड टेकन टू पार्ट्स पार्ट हैज बिन कन्वर्टेड हैज बिन डिवाइड इंटू थ्री इक्वल पार्ट यू शो दन थर्ड रेशो हमने थ्री पार्ट्स में हर एक पार्ट को करेंगे और वन थर्ड का मतलब इसका वन वन थर्ड ऑफ टू वन वन करके दोनों का ही इसके भी हमने थ्री पार्ट्स में अगर हम उसको शो कर रहे हैं इक्वल नहीं लिए मैंने थ्री पार्ट्स में अगर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें से भी वन तो यानी टू हो गए टोटल आउट ऑफ थ्री हर एक का वन थर्ड था दूसरी सेंस में कहे तो वन थर्ड प्लस वन थर्ड तो क्या हो गया टू बाई थ्री क्लियर है तो इसी को हमने दूसरी तरीके से क्या किया टू पार्ट्स में लिया फिर उसको थ्री थ्री में रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि वन थर्ड रिप्रेजेंट करना है तो वन थर्ड अब टोटल हो गए सिक्स एंड सिक्स का थर्ड पार्ट क्या होगा टू तो वन थर्ड से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू पार्ट्स को शो कर रहे हैं और टू टू के कितने पार्ट्स बन सकते हैं थ्री तो टू थर्ड हो गया बेटा किसी तरह से आप समझ लीजिए या तो आपने एक पार्ट को थ्री पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया उसका वन ले लिया वन थर्ड अगले का भी टू टू uh, का तभी होगा जब दोनों में से एक एक ले तो वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री यानी टू बाय थ्री या फिर हम क्या करें हमने सबके वन के थ्री पार्ट्स बनाए दूसरे के भी थ्री पार्ट्स बनाए उसका वन थर्ड पार्ट यानी टू पार्ट और टू टू के कितने पार्ट्स बन सकते हैं थ्री बन सकते हैं टू थर्ड हो गया क्लियर है नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट uh, देखेंगे बेटा हमें अभी आप थ्री मेथड्स सीखेंगे उन मेथड्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले इसको इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ओके स्टूडेंट लेट्स डिस्कस द मेथड फर्स्ट मेथड इज देयर टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन टू अ फ्रैक्शनल नंबर सेकेंड इज होल नंबर टू आ फ्रैक्शनल नंबर थर्ड इज फ्रैक्शन नंबर टू आ मिक्स नंबर तो देखिए बेटा स्टेप्स देख लेते हैं इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई आ होल नंबर देन वी विल रिप्रजेंट दैट नंबर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म एज वी नो इफ देर इज नो डिनोमिनेटर गिवन दैन डिनोमिनेटर इज़ वन तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे नाउ केसेज सेम हमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है अगर मिक्स नंबर है देन वी विल कन्वर्ट दैट इंटू इन प्रॉपर फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में ही सबको रिप्रेजेंट करना है हमें तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसे भी अब क्या करेंगे अब सेम केस हो जाएगा सबके लिए क्या करेंगे सेकेंड स्टेप विल बी आफ्टर रिटर्न राइटिंग इन फ्रैक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हम सब पे एक ही मैथड uh, लगेगा दैट विल बी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है लाइक टू थ्री सिक्स देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फोर ट्वेल्व अब क्या करें नाउ एज यू कैन सी हेयर बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय सिक्स सो वी विल डिवाइड दैम बाय सिक्स टू कन्वर्ट इन लोएस्ट फॉर्म सिक्स वन इज सिक्स सिक्स टू ट्वेल्व वन बाय टू विल बी द आंसर नेक्स्ट देखिए बेटा होल नंबर को जब हमने फ्रैक्शन uh, फॉर्म में रिप्रेजेंट किया वी हैड टेकन वन एज डिनोमिनेटर नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर सेम है मेथड नाइन टू इज एटीन लाइक टर्म्स विल बी मल्टीप्लाई फाइव वन इज फाइव तो आप देख सकते एटीन अपॉन फाइव अब ये क्योंकि इम्प्रॉपर है न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर सो वी विल रिप्रेजेंट इट इन मिक्स फॉर्म फाइव थ्री फिफ्टीन थ्री लेफ्ट दैट विल भी रिटर्न एज फ्रैक्शनल नंबर वो कम्प्लीट नहीं है तो होल नहीं है बेटा होल नंबर जो होल कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है क्वेश्चन uh, को हमने होल uh, नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जो बच गया देट विल भी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शनल नंबर थ्री अपॉन फाइव नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट द मिक्स नंबर थ्री टू सिक्स वन सेवन अपॉन थ्री इन टू इम प्रॉपर फ्रैक्शन दैन आप क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सेवन टू इज़ फोरटीन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर है फाइ थ्री थ्री इज नाइन क्लियर है अब मिक्स नाइन वन इज़ नाइन फाइव लेट फाइव को फ्रैक्शनल uh, फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे फाइव ओपो नाइन नेक्स्ट नाउ लेट्स लर्न द मल्टीप्लीकेशन बाय मैस मैजिक मैज़िक दैट आई हैड मेड फॉर यू तो बेटा देखिए कैसे आपको बताया सेम जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होल नंबर है तो उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए मिक्स नंबर है तो उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए यानी फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो फिर हमारा स्टेप क्या है वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर उसके लिए कोड क्या बनाया है uh, अगर करनी है मल्टीप्लाई अगर करनी है मल्टीप्लाई देन भाई भाई मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम सरनेम आप इसे कंसिडर कर सकते हैं भाई भाई हो गए वी विल मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर भाई भाई तो भाई भाई को मल्टीप्लाई करना है आई थिंक इट इज़ क्लियर तो देखिए बेटा इसी को मैं कंप्लीट करूँगी आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझाते हुए हमने टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू वन इज़ टू भाई भाई मल्टीप्लाई हो गए न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से थ्री वन इज़ थ्री वन मोर एग्जाम्पल इज देयर लेट्स टेक अगले एग्जाम्पल में देखिए बेटा यहां पे नाइन डिनोमिनेटर गिवन नहीं है हमने वन अंडरस्टूड है अब करेंगे मल्टीप्लाई नाइन फाइव फोर्टी फाइव तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया फोर्टी फाइव एट वन इज एट अब मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे एट फाइव फोर्टी फाइव लेफ्ट तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए सेम इसी तरह से इसका डिनोमिनेटर uh, गिवन नहीं है तो वन अंडरस्टूड है फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया भाई भाई मल्टीप्लाई सिक्स फोर्स ट्वेंटी फोर फिफ्टीन वन इज फिफ्टीन अब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे थ्री से डिविजिबल है थ्री एट्स ट्वेंटी फोर थ्री फाइव इज फिफ्टीन एट अपन फाइव एट अपन फाइव को मिक्स बनाया जा सकता है फाइव वन इज़ फाइव थ्री लेफ्ट तो थ्री फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से वन मोर कोड इज देयर आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसी कोड को और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैथड सेम है वही ऊपर नीचे की सदा होती लड़ाई डीफो डेनोमिनेटर डी फोट डिवाइड डिफो डाउन ये लड़ाई चलती है इनमें डिवाइड करते काटते हैं यानी लड़ाई सो so, कर दो कटाई जब समाप्त हो जाए लड़ाई तो भाई भाई मल्टीप्लाई तो ये कोड मैंने आपके लिए बना दिया है मेथड सेम है बेटा आपके अगर ऊपर कट रहे हैं आप उसमें भी यही करते हो पहले न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन है अगर ऊपर नीचे कट रहा उसको है उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो लेकिन आप बाद में डिवाइड आप पहले भी कर सकते हैं ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो कर दो जैसे मैं दोनों मेथड से दिखाऊंगी मल्टीप्लाई करके बाई बाई को टू फिफ्टीन टू थर्टी सिक्सटीन फाइव एटी टेन से डिवाइड हो रहा है टेन थ्री थर्टी टेन एट्स एटी हमने इसमें लोवेस्ट टर्म में बाद में कन्वर्ट करके डिवाइड करके कन्वर्ट किया है अब देखिए दूसरे मेथड से दूसरे में क्या करेंगे जो ऊपर नीचे कट रहा है टू वन इज टू टू एट्स सिक्सटीन पहले ही कट कर दो वो फर्क नहीं पड़ता कि वो दूसरे वाले का कनोमरेटर है है ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे कटेगा सेम टेबल पे कटेगा जैसे लोवेस्ट में होता है फाइव वन इज फाइव फाइव थ्री इज फिफ्टीन तो देखिए आंसर इज सेम अब भाई भाई मल्टीप्लाई थ्री वन इज थ्री एट वन इज एट तो आंसर सेम है इस तरह से करेंगे लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल यहाँ देखिए थ्री टर्म्स हैं ऊपर नीचे जो भी नंबर सेम टेबल में होगा सेम टेबल से डिविजिबल होगा उसको हम पहले कट कर रहे हैं फाइव वन इज फाइव फाइव टू इज टेन और कोई सेम में टू और टू हैं टू वन इज टू टू वन इज टू अब देखिए अब ऊपर नीचे की समाप्त हुई लड़ाई ऊपर नीचे और कोई नहीं कटता तो अब भाई भाई मल्टीप्लाई वन और वन 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 इज़ वन अब इसको करते हैं थ्री एट्स ट्वेंटी फोर तो वन अपॉन्ट ट्वेंटी फोर इज़ द आंसर अगर इसको दूसरे मेथड से करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं तो कैसे करेंगे हमने इसको मल्टीप्लाई किया टू फाइव टेन भाई भाई मल्टीप्लाई एट थ्री इज़ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर टेंस टू फोर्टी अब देखिए टेन से डिवाइड हो रहा है टेन वन इज़ टेन और ये टेन से डिवाइड होगा जीरो कट हो जाएगी ट्वेंटी फ़ोर तो वन अपॉन्ट ट्वेंटी फोर आंसर इज़ सेम सो so, आज आप वक्सिट सिक्स और सेवन को ट्राई करेंगे और हमारा कोड क्या है भाई भाई मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की सदा होती लड़ाई इसलिए कर दो कटाई जब समाप्त हो जाए लड़ाई तो भाई भाई मल्टीप्लाई तो इस कोड को यूज़ करते हुए आप इजीली अपने सम्स को सोल्व कर लेंगे आई थिंक इट क्लियर सो लेट्स एंड